गोरखपुर विश्वविद्यालय के न्यू कमेटी हॉल में राष्ट्रीय पुरातन छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश राहुल चतुर्वेदी ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने न्यायाधीश महोदय को डिस्टिंग्विश्ड एल्यूमिनाई अवार्ड से सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि न्यायाधीश राहुल चतुर्वेदी ने कहा कि विश्वविद्यालय में 62 वर्षों के बाद पुरातन छात्र सम्मेलन का आयोजन बड़े पैमाने पर हो रहा है। यहां आकर वैसी ही अनुभूति हो रही है जैसे घर लौटने पर होती है। जिस प्रकार एक बच्चे को अपनी माँ की गोद में सुकून का एहसास होता है, कुछ ऐसा ही सुकून मुझे अपनी मातृ संस्था में आकर मिल रहा है। मेरे पिताजी इसी विश्वविद्यालय में शिक्षक थे। मेरे जन्म से लेकर वर्ष 1987 तक की शिक्षा दीक्षा गोरखपुर में हुई है। यहाँ के साथ ही शिक्षकों के साथ बचपन गुजरा है। विश्वविद्यालय में बीते उन सुनहरे दिनों की तस्वीर किसी फिल्म की तरह आंखों के सामने चल रही है। आचार्यों के बीच खुद को पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। पहले विश्वविद्यालय की ओर से वृहद पैमाने पर पुरातन छात्र सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। जो ये दीप जला है वो हमेशा जलता रहे। वहीं इस अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने कहा कि पुरातन छात्र सम्मेलन के आयोजन की कार्य योजना पिछले साल 1 मई को आयोजित करने की थी, मगर कोरोना महामारी की वजह से आयोजन को टालना पड़ा। हालात सामान्य होने पर दोबारा पुरातन छात्रों से संपर्क हासिल किया गया। अब तक 20,000 विद्यार्थियों का डाटाबेस तैयार किया गया है। 2,000 पुरातन छात्रों ने पंजीकरण कराया है। करीब 1,500 पुरातन छात्र ऑफलाइन मोड में कार्यक्रम में शामिल होंगे। 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से 35 अति विशिष्ट पुरातन छात्रों को डिस्टिंग्विश्ड एल्यूमिनाई अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर जिला जज तेज प्रताप तिवारी, राम मनोहर लोहिया के पूर्व कुलपति प्रोफेसर GCR जायसवाल सहित विश्वविद्यालय के अध्यापक और अध्यापिका मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश राहुल चतुर्वेदी ने कहा, सभागार उपस्थित आचार्य
सर्वप्रथम आज मैं डॉक्टर राजेश का धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने अपने समय को त्रिपन मिल सुधा के लिए फोन किया और मुझको इस बात में आने का अवसर दिया। आज ये भी देखा मैंने कि संसार के बाद संसार में ये रुचि स्थापित हुई और सन 2022 से 62 साल के बाद पहली मात्र ये एलुमनाई मीट ऑर्गेनाइज की गई है, इसके लिए विशेष धन्यवाद के पात्र हैं। सर आज आपके मत करके मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बच्चा को अपनी माँ की भूल पैदाइश के बाद से लेके 1987 तक मेरा बाल्यकाल, मेरा यूथ और मेरी शिक्षा दीक्षा गोरखपुर से ही और 1987 में मैं शिफ्ट किया मैंने खिला। तो अगर वस्तुता देखा जाए तो जिंदगी के जो बॉर्डर किए थे वो मेरे गोरखपुर थे और उसके बाद जिंदगी की आपाधापी और माननीय उच्च न्यायालय की सेवा। चूंकि मेरे पिताजी स्वयं भी आचार्य रहे आप केमिस्ट्री विभाग में तो उनका और हम लोग शिरापुरी कॉलेज में रहे तो उस स्टेज पर जितने टीचर्स थे उनके बच्चे आज जो हमारे बाल्यकाल के मित्र का है आज कुछ तो फैकल्टी में संजय बैजर, उमेश नाथ त्रिपाठी, आशीष श्रीवास्तव, श्रीवर्धन पाठक सब लोग ये थे कि हम लोग ने बचपन एक साथ बिता और फिर उसके बाद कालांतर में कोई कही कोई कहीं तो किसी वजह से कुछ लोग कहीं पे हैं तो यहाँ पर आके जो एक बड़ी जो फीलिंग होती है जो नॉस्टैल्जिक फीलिंग होती है जो डाउन द मेमोरी लेन कि जहाँ के हम लोग साथ साथ पढ़े लिखे खेला कूदा बदमाशियाँ भी की वो उसकी एक क्यूमुलेटिव जो इम्पैक्ट पड़ता है उसका जो मैं वर्णन विधि विभाग में जब मैं आया तो प्रोफेसर उदय राज राय उनका विशेष उल्लेख करूँगा मैं उनका कड़ा अनुशासन और उनकी विद्वत्ता कि यहाँ पे सभी का उदय राज राय ओपी गुलारी साहब आई पी सिंह साहब अमरेंद्र मिश्रा जी अनिल प्रसाद जी स्वर्गीय आशीष श्रीवास्तव साहब ये महान बुजुर्गों ने जो डॉक्टर की किसी को हमको दिया उसका हमने जीवन पर दे दिया। सरस्वती में मैं जब बीएससी में आया तो विश्वविद्यालय का एक ही अलग ही माहौल था जिसको हर क्षण किया और आज भी उसकी याद करके एक अजीब सी फीलिंग होती है उसका मैं शब्दों में बयान नहीं सिलसिला हमने स्टार्ट किया है और हम लोगों ने मैं पिछले साल ही कोशिश किया था 12 से लेकर 2 मई तक 2021 लेकिन कोरोना का कारण और उस 20,000 में लगभग 2,000 नए रिस्पॉन्ड किए हैं डायरेक्टली वो लिंक करके मैंने उन्होंने फीस दी है या उन्होंने एक्नॉलेज किया है वो दे रहे हैं उसमें से 1,000 और 1,000 से 1,500 ऐसा लगता है कि वो एक जो ये पेज हम लोगों ने ये बताया कि हमने कोशिश की आइडेंटिफाई करने के लिए समय कम था मैंने हर डिपार्टमेंट से कहा कि भाई जो आपके डिपार्टमेंट के 20 डिस्टिंग्विश्ड नाइट हैं जो अपने अपने फील्ड में एक्सेल किए
उनका फॉरवर्ड कर दिया। हर डिपार्टमेंट से करीब पुलिस आया तो लगभग 600 650 यहाँ से आया, और जनरल पूल से हम लोगों ने 1,350 लोगों का स्क्रीनिस्ट डेटा इकट्ठा किया और उसको स्क्रीन किया, एक कमेटी के माध्यम से कन्फर्म किया कर दी अलाउड भी है, उसमें हमारे कंट्रोल एग्जामिनेशन भी है तो है उपस्थित। उसमें से हम लोगों ने 33 लोगों को आइडेंटिफाई किया कि ये डिस्टिंग्विश अलमस अवार्ड से मिला है, माननीय उम्मीदवार काफी है। और पहला अवार्ड मैं भाषण ना देके मैं साइटेशन पढ़ना चाहूँगा, दीनदयाल गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर डिस्टिंग्विश अलमस कंफर्ड ऑन श्री राहुल चतुर्वेदी ऑनरेबल जस्टिस इलाहाबाद हाईकोर्ट ऑन द ओकेजन ऑफ फर्स्ट नेशनल अलमनी फ्रॉम 30 अप्रैल टू 2nd। वी द दीनदयाल यूनिवर्सिटी फैमिली आर एक्सट्रीमली रिलेटेड एंड ऑनर्ड टू वेलकम होम एंड फेलिसिटेट आवर सन ऑनरेबल जस्टिस राहुल चतुर्वेदी जी एंड कन्फर ऑन हिम द डिस्टिंग्विश्ड अलमनस अवार्ड। ऑनरेबल जस्टिस राहुल चतुर्वेदी ग्रेजुएटेड फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ लॉ दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर इन 1985। ही एंटर्ड उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज इन 1987 After an immaculate career spanning 3 decades, he got elevated to a judge of high court. Your past-making judgments and ruling have been trained setups, and you have maintained the highest standards of personal integrity. As a part of National Alumni Week celebration, we rejoice the prospect of having reconnected to our alumni who have carried forward the tradition of excellence and professionalism and their alma mater. We look forward to your active support and kindness in our pursuit of excellence. Sir, we are beholden to you for your kind concern to be a part of our alumni and network. We request you to accept this citation as a mark of honor, affection from your alumni. This award घर वापसी है सर, कैसा था यहाँ का कार्यक्रम? बहुत ही अच्छा, बहुत सुखद और अविस्मरणीय। ये पहला कार्यक्रम है, मैं चाहता हूँ कि भविष्य में भी ऐसा कार्यक्रम होता। सर विश्वविद्यालय के लिए क्या कहना चाहेंगे? विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए क्या कहना चाहेंगे? शुभकामनाएं हूँ उनको मेरी तरफ।